अच्छा, आपका फ़ोन आया था, पुलिस को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, एमएलसी है केस के, है ना, लेता हूँ मैं अंदर, ट्रीटमेंट चालू करते हैं, ठीक है, कोशिश कर प्लीज़, आप बाहर होके, है ना, सब लोग आप में से बच्चे के साथ कौन है? इनके पिता कौन है बच्चे के? मैं हूं। आइए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। ये सब हुआ कैसे? देखिए, आप मुझे सब कुछ सच सच बताइए, मैं आपको पूरी तरह कोऑपरेट करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है इनका? अशोक चौहान। पिता का नाम? पृथ्वी सिंह चौहान। पता? हे मॉर्निंग। मॉर्निंग सुदेश, मॉर्निंग। और सुदेश कैसे? ठीक है भैया। और कैसे चल रहा है तुम्हारा काम वाम? ठीक चल रहा है भैया। एक बार पापा से बात करो। आप ही कहो ना पापा से, एक बार करके तो देखो। हाँ भाई, क्या बात है, क्या हो रहा है? पापा, वो मुझे पैसे चाहिए थे मूवी देखने के लिए। भैया, मुझे भी अगले महीने बिजनेस टूर के लिए यूरोप जाना है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सुदेश, वो ठीक है, वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यार तुम विवेक को समझाते क्यों नहीं हो? इसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करो। देखो, इस बार इसका IIT में सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो देखो गोयल जी का लड़का, रात दिन एक कर दिया उसने, मैंने घर से बाहर उसको निकलते हुए कभी देखा ही नहीं, और आज देखो उसका IIT में सिलेक्शन हो गया। देखो बेटा, बात कंपेरिजन की नहीं है, लेकिन हमारी भी तुमसे कुछ उम्मीदें हैं। मैं पढ़ाई तो करता हूँ ना, लेकिन तुम जो पढ़ाई करते हो वो पर्याप्त नहीं है, उसके लिए तुम्हें और अधिक पढ़ाई की आवश्यकता है। अब पढ़ोगे नहीं तो क्या रिक्शा चलाओगे? अब यहाँ बैठे क्यों? आज कोचिंग नहीं जाना है? कम से कम उसे नाश्ता तो करने दिया होता। अच्छा भाभी, देर हो रही है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। साहब, वो मुझे कमल के आगे की पढ़ाई के बारे में कुछ बात करनी थी। शंभू, अच्छा होगा कि तुम चावला साहब से सलाह लो, मैं तो अपने बच्चे को ही सलाह नहीं दे पा रहा। ठीक है साहब। यार, एक नया जोक है, सुनाऊं क्या? सुना। देखो, दुनिया की बेस्ट माँ तो हर बेटे के पास होती है, लेकिन पता नहीं दुनिया की बेस्ट वाइफ हमेशा पड़ोसी के पास क्यों होती है। भाई हंस दो, ये आगे जोक पे हंस दो। अरे यार, अच्छा तो था यार। अरे मेरा सुन, अच्छा जोक तो मैं बताता हूँ क्या होता है। जोक सुन, मुझे जला देना या दफना देना। आय हाय, मर तो सही। वाह करो, तू मर तो सही यार। मुझे जला देना या दफना देना, मरू तो एक घूट बियर पिला देना। अरे पी रहे हैं, कोल्ड्रिंक पी रहे हैं। तुम आगे सुनो। मैं ताजमहल नहीं चाहता दोस्तों, बस मेरी कब्र पे एक गर्ल्स हॉस्टल बनवा देना। अरे मेरी भी सेम चॉइस, मेरी भी सेम चॉइस। भाई हम क्या करें, हम ही ऐसे हैं, हम तो ऐसे ही सोचते हैं। मैं सुनाती हूँ, मैं सुनाती हूँ, तुम लोग देख देख के सुनो। अच्छा ठीक है, सुनाओ। लड़की ने घर छोड़ा, ससुराल मिला, मिला भाई छोड़ा, देवर मिला, मिला बहन छोड़ी, ननद मिली, माँ बाप छोड़े, सास ससुर मिले, पता नहीं क्या छोड़ा जो पति मिला। फ्री का ऐसा ला कद्र कैसे होगी। हंस दो, हंस दो यार, हंसो हंसो, दोस्ती के नाम पे हंस दो, हंसो तो यार। ऐसे टिपिकल जोक सुना रहे, कौन हंसेगा? इंडियन इंडियन यार, ऐसा मत करो यार, ये तो गलत बात है। अरे भाई विवेक, आ यार विवेक, तू अरे विवेक,
ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है भाई? मम्मी पापा ने कुछ कहा क्या? यार पापा मम्मी तो होते ही हैं कुछ ना कुछ कहने के लिए। अरे यार कल मूवी के लिए पैसे मांगे थे और बदले में मिली पापा की डांट। यार अब इन बड़े लोगों को कैसे बताएं कि जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो कुछ तो चेंज होना ही चाहिए यार। अरे तभी तो मैं कहता हूँ मेरी तरह मस्त रहा करो। वीक में एक बार मूवी देखता हूँ, दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ और जब मन करता है तब डट के पढ़ाई करता हूँ। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है इतना सब करने के बाद भी तुम इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले आते हो? क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है और इंटरेस्ट का कोई भी काम करने में बोरियत महसूस नहीं होती। पूरी कोशिश तो मैं भी करता हूँ फिर भी मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते और इस बार तो मुझे IIT के लिए अल्टीमेटम मिल गया है। ज्यादा टेंशन मत ले यार, बी रिलैक्स, जो होगा बढ़िया ही होगा यार। डोंट बी हाइपर यार, जस्ट चिल। पता नहीं इस बार मेरा क्या होगा, मुझे तो एग्जाम के नाम से ही घबराहट होने लगती है। घबरा मत यार, जो होगा अच्छा ही होगा, अभी से दिमाग की मैगी मत बना। वैसे आज तो भी सही कह रहे हैं, फालतू की टेंशन लेने से कुछ फायदा तो होने वाला नहीं अपना। हाँ विवेक तू हमेशा किताबों में घुसकर मत रहा करो, कभी तो फेसबुक पर भी मिला करो। आपने हमसे तो कभी ऐसा नहीं कहा। पहले जाके अपना वॉलपेपर चेंज कर, चलो चलते हैं यार। नमस्ते। वेल डन विवेक, तुमने इस साल अच्छा किया लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, IIT के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, बहुत चिंतित थे। खैर कोई बात नहीं, तुम मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। और विवेक पढ़ाई कैसी चल रही है? चाचा बस ठीक चल रही है। कब से पढ़ाई चल रही है? चाचा करीब 5-5.5 घंटे हो गए हैं। अरे यार ये कोई बात नहीं है, छोटी छोटी सिटिंग में पढ़ाई करनी चाहिए, हर 1-1.5 घंटे बाद दिमाग को आराम देना चाहिए। उस दौरान तुम खेल सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, किसी से बात भी कर सकते हो। जब माइंड फ्रेश हो जाए तब बैठोगे तो अच्छा कर पाओगे। अच्छा इधर आओ तुम। बैठो। नहीं चाचा मैं ठीक हूँ। अरे बैठो यार। अच्छा तुम्हारा फेसबुक अकाउंट है? चाचा फेसबुक पे तो नहीं है। कैसे बच्चे हो यार, पढ़ाई के अलावा भी कुछ किया करो। चाचा पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें दुख ना हो इसलिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं यार, पढ़ाई के अलावा एंजॉय भी किया करो। अच्छा एक काम करो, तुम अपना ईमेल आईडी ओपन करो और तुम्हारा फेसबुक अकाउंट खोल देते, मैं आता हूँ। पासवर्ड क्यों गलत हो रहा है यार ये बार बार? राम राम चावला साहब। अरे शंभू तू? राम राम भाई, राम राम। आ बैठ। कैसे आना हुआ? नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे साहब आप जैसा बड़ा लोगन के सहारे से हमारी भी कट जाएगी। मतलब मैं समझा नहीं। अजी साहब ये जो चोरो है ना आपको, अब यहाँ को भविष्य आप ही के हाथ में है, अब आगे की पढ़ाई के बारे में आप ही समझाएं, ये तो हमारी समझ से बाहर है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मनु मनु। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी भी तो कोई इच्छा होगी। मैं क्या बताऊं, जो आप बताओगे वही कर लूंगा। और कैसे है शंभू भैया? नमस्ते। और ये कौन, कमल? हाँ आपने ठीक पहचाना मैडम साहब। नमस्ते करो बेटा। नमस्ते नमस्ते।
अच्छा आप लोग बात करिए जब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। देखो बेटा तुमने भी कुछ सोचा होगा। अच्छा एक बात बताओ तुम खाली समय में क्या करते हो? मैं साहब खाली समय में पुरानी चीजों को इकट्ठा कर उन्हें जोड़ तोड़ कर कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। मैं समझा नहीं। जैसे पुरानी बैटरी, पुराने खिलौने, रेडियो के स्पीकर, चुंबक, साइकिल की गरारी, इन सब से मैं कुछ ना कुछ मशीनें बना लेता हूँ। अजी साहब याने तो एक बार ऐसी नाव बनाई जो बिना किसी सहारे के पानी पे चलती जाए। ऐसा करना कल सुबह इसको तुम मेरे पास भेज दे, मैं इसका दाखिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में करा दूंगा। ठीक है साहब, धन्यवाद साहब। खुश रहो बेटा, थोड़ा सा दही पेड़ा खा के जाओ। नहीं मन अच्छा, नहीं मम्मी मेरा मन नहीं है। थोड़ा सा खा के जाओ। चलो बेस्ट ऑफ लक विवेक। थैंक यू मम्मी। और जान सब क्या हाल है? सब कुशल मंगल? घर में सब ठीक है ना? और आपको होटल वाला व्यापार कैसा? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अच्छा छुट्टियों में क्या करते हो आप? वेलकम चावला साहब, वेलकम वेलकम। क्या हाल है? गोयल साहब आपका घर बहुत ही अच्छा और इससे अच्छा आपका बिजनेस। चावला साहब आप जानते हैं हम व्यापारी हैं और कहते हैं कि हुक्का गुड़गुड़ाता है और बुड्ढा बड़बड़ाता और व्यापारी बोलता तभी ये सब कुछ कर पाता है। पिछले मैंने आप सब लोग मीटिंग में आए नहीं थे। वो विवेक के एग्जाम थे ना इसलिए। विवेक के एग्जाम चलते हमें बिजनेस की मीटिंग भी पोस्टपोन करनी पड़ गई। अरे यार एरो पे फाउल होता है भाई, एरो पे फाउल होता है। एरो पे दी और नहीं एरो पे दी। नहीं नहीं यहां की यार रुक एक मिनट ये और निकाल लेते। अरे तो मेरा खेलना नहीं आता मूर्ख किसी को। अभी अपने एग्जाम्स खत्म हुए तब जाके खेलने को मिला। अपनी कोई लाइफ है कि नहीं? बस घर वालों के कहने पे चलते रहो, चाहे सही हो या गलत। हमें भी दुख होता है कि बच्चे अपनी मर्जी से लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आजकल बच्चे पैदा होने से पहले ही पेरेंट्स सपने देखने लग जाते हैं। आज कंपटीशन का युग है और अगर हम बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे तो बच्चों को सक्सेस कैसे मिलेगी? पर ऐसे में बच्चों की सोशल लाइफ ही खत्म होती जा रही है। अब देखिए ना एक एक बच्चे ही तो होते हैं, अब उनके करियर के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? कहते हैं कि तुम इकलौते हो, हम अपने तरीके से तुम्हारे कैरियर का चुनाव करेंगे। अब यार इकलौते हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर? इसलिए कभी कभी तो इच्छा होती है घर ही छोड़ के चला जाऊं। इतना प्रेशर मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। मैंने भी अपने पेरेंट्स से कहा था मुझे साइंस बायो मत दिलाओ, मुझे टेक्निकल लाइन में जाना है तुले डॉक्टर बनाने पे। जब मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहती तो क्यों करूं डॉक्टरी? बी पॉजिटिव यार, मेरी तरह मस्त रहा करो, नेगेटिव थिंकिंग अपनी माइंड से निकाल ही दो। फिर भी मेरा मानना है कि बच्चों पर अननेसेसरी का दबाव नहीं डालना चाहिए बल्कि हमें उनको आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। आखिर वो है तो हमारे ही बच्चे। अरे छोड़ो यार ये सब। सोनाक्षी तुमने वाटर कंजप्शन पे प्रोजेक्ट पूरा कर लिया क्या? नहीं बनाया, शायद फाल्गुनी ने बना लिया हो। हाँ मैंने कर लिया पर यार बहुत प्रॉब्लम आई, मम्मी पापा की हेल्प लेनी पड़ी थी। अरे यार तुम भी ना नेट से डाउनलोड कर लेते, सारा झंझट ही खत्म। अरे नेट वेट का कोई काम हो तो मुझसे कहो, मेरे बाएं हाथ का खेल है। लोकेश तुम्हें क्या प्रोजेक्ट मिला था? अरे यार मुझे तो ऐसा प्रोजेक्ट मिला था, कबाड़ में सामान बीन बीन कर मुझे तो कबाड़ ही बना दिया। और पता है आजकल तो मेरी आवाज भी कबाड़ियों जैसी निकलती है, सुनो कबाड़े। अरे चलो फाल्गुनी के घर चलते हैं, उसकी मम्मी क्या मस्त खाना बनाती है। बस इसको तो खाने की पड़ी रहती है कबाड़े। साहब ये मिठाई। अरे शंभू
क्या बात है भाई, ये सब किस लिए? बेटा अपने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाया साहब। बहुत अच्छी बात है, उसको मित्र से बधाई देना। ठीक है साहब। निशा कहाँ है? मैम साहब तो वहाँ बाजार गई है सब। और विवेक साहब? वो अपने कमरे में है साहब। चलो ठीक है। विवेक, विवेक। हाँ पापा। आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? अरे कुछ बोलता क्यों नहीं है नालायक? अरे भूत की तरह क्यों खड़ा है नालायक? आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता तो हमारा भी कुछ हो जाता और तेरा भी कुछ हो जाता। पापा मैंने पूरी कोशिश की थी। क्या खाक कोशिश की थी तूने? दूर हो जा मेरी नजर से। भाभी, भाभी। साहब मैडम साहब घर पे नहीं है साहब। कहाँ गई? बाजार गए हैं। निशा साहब मैडम साहब वापस नहीं आई। खाना वाना तैयार है, लगवाओ। जी साहब। अच्छा विवेक बाबा कहाँ है? ऊपर कमरे में है साहब। बुला के लाओ। जी साहब। और सुदेश तुम्हारा यूरोप वाला प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है भैया। भैया आज का दिन काफी अच्छा रहा। मालिक विवेक बाबा दरवाजा नहीं खोल रहे। मालिक विवेक, विवेक क्या हो गया भैया? विवेक दरवाजा खोलो। विवेक दरवाजा खोलो। विवेक 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 दरवाजा खोलो। विवेक विवेक दरवाजा खोलो। भैया एक मिनट में फोन करता हूँ, शायद सो गया होगा। विवेक स्विच ऑफ आ रहा है। विवेक विवेक कुछ करो सुदेश, कुछ छोड़ने की कोशिश करो उसको। मैं बेच कर चलाता हूँ। विवेक विवेक हटो हटो हटो। विवेक 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 साबियाने तो मच्छर मार मारने जाओ। प्लीज साहब विवेश इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। भैया जल्दी करो तबीर मेरे बनने तो दो। ख्वाबों की तबीर मेरे बनने तो दो। खोल दो ये पंख जरा उड़ने तो दो। औरों के जैसा ही मैं बनूं जिद किस लिए? तेरे ख्वाब किस लिए? अपना ये गम मैं किससे कहूं? उलझन में हूं दहशत में हूं।
अपना ये गम मैं किससे कहूँ, उलझन में हूँ दहशत में हूँ, तुम्हारी वजह से मैं नाकाम हूँ, फिर मुझसे नफरत करते हो क्यों, करते हो क्यों, प्यार के तो बोल भी नहीं किस लिए, तेरे ख्वाब किस लिए, आँखों में मेरी वो तेरे ख्वाब किस लिए। सर मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, किस तरह जानवरों का सा व्यवहार किया है मैंने अपने बच्चे के साथ। हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आपको अपने किए पे पछतावा है पर टूटने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत रखिए। ठीक है, ऑप्शन कंसंट्रेशन ठीक है। देखो मैंने देख लिया है पेशेंट, उसको थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर है, सेकेटिव प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। एक एक करके मिलिएगा, है ना स्टाफ को। और कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई बात और खुल नहीं 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 ठीक हो जाएगा, ही विल बी ऑलराइट। ओके Shannon.